हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं हूं अभिषेक चौहान। आज हम 4.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 इन्हें सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। 1, 2, 3 इन क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा चुका हूं इससे पहले वाली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये है कि हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट एंड सेकेंड है टू गिवन पॉइंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो उसका था कि एक गिवन पॉइंट से कितनी लाइनें होकर गुजर सकती हैं, तो एक पॉइंट जो है आपका, देखिए इससे आप अनगिनत काउंटलेस लाइन उससे पास कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से अनगिनत लाइनें पास हो सकती हैं एक पॉइंट से। सेकंड बी क्वेश्चन में पूछा है कि अगर दो पॉइंट्स हों तो कितनी लाइनें पास होंगी, तो सिर्फ अगर दो पॉइंट होंगे तो सिर्फ ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू आर टू गिवन पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखिए इसमें आपको रफ फिगर ड्रॉ करना है और उसके बाद जिस तरीके से आपको नीचे प्रश्नों में कहा गया है उसी तरीके से आपको उनमें पॉइंट्स भी रखने हैं या ड्रॉ करने हैं। तो देखिए ए की बात करते हैं, प्रश्न नंबर ए जो है आपका, उसमें देखिए पॉइंट पी लाई ऑन ए बी। तो ए बी क्या है आपका, सबसे पहले आप देखिए ए बी के ऊपर सेगमेंट का साइन बना हुआ है, तो हम ए बी सेगमेंट लाइन बनाएंगे और उसमें आपको पॉइंट पी कहीं पर भी ड्रॉ कर देना है, क्योंकि उसने कहा है कि ए बी जो सेगमेंट लाइन है उसमें पी पॉइंट जो है वो कहीं पर पड़ रहा है। तो आपको ए बी सेगमेंट लाइन बनानी है और उसके बाद पी पॉइंट आपको कहीं पर भी उस लाइन में ड्रॉ कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 के बी में आपको एक्स वाई लाइन दे रखी है और पी क्यू लाइन है, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगी और कहाँ पर कर रही हैं, एम पॉइंट पर। तो आपको सबसे पहले कुछ इस तरीके से एक्स और वाई जो लाइन है और पी क्यू, इनको आपस में इंटरसेक्ट इस तरीके से करना है और जहाँ पर इंटरसेक्ट होगा वहाँ पर एम पॉइंट ड्रॉ कर देना है, वो आपका इंटरसेक्ट पॉइंट कहलाएगा। तो हमें कुछ इस तरीके से करना था, ये देखिए फिगर में आप सी क्वेश्चन में आपको लाइन आई एक ड्रॉ करनी है और उसमें ई एंड एफ ये पॉइंट तो है लेकिन डी पॉइंट उस लाइन में नहीं पड़ता है। तो आपको लाइन ड्रॉ, सबसे पहले आई लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसके ई एफ ये पॉइंट आपको उसमें लगा देने, कुछ इस तरीके से। अब आपको डी पॉइंट जो कि उस लाइन में नहीं पड़ रहा है, आपको आउटसाइड कहीं पर भी ड्रॉ कर लीजिए, आपका डी पॉइंट उस लाइन से बाहर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के डी में आपसे कहा है कि ओ पी एंड ओ क्यू ये दोनों लाइनें हैं और ये ओ पॉइंट पर मीट कर रही हैं, मिल रही हैं। तो हमें ड्रॉ करने के लिए कुछ इस तरीके से करना होगा कि ओ पी लाइन ड्रॉ कर लीजिए और ओ से ही एक क्यू लाइन और ड्रॉ कर लीजिए, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आपकी ओ पी और ओ क्यू ये लाइनें आपस में ओ पॉइंट पर मीट करेंगी। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एम एन लाइन दी गई है और उस लाइन से रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट नीचे दिए हुए हैं और ये स्टेटमेंट सही हैं या गलत, ये आपको बताना है। तो सबसे पहला ए, पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। इस स्टेटमेंट में क्यू एम ओ एन पी ये सभी पॉइंट्स एम एन लाइन में हैं, क्या ये स्टेटमेंट सही है। देखिए एम एन ये पॉइंट्स तो एम एन लाइन में आ रहे हैं और देखिए एक लाइन में इन्फिनिटी पॉइंट्स हो सकते हैं, तो एम एन लाइन में आपके ये सभी पॉइंट्स हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब एम ओ एन ये जो पॉइंट्स है, क्या ये लाइन सेगमेंट के अंदर हैं, वो भी कौन से लाइन सेगमेंट, एम एन। तो देखिए आपका एम और एन हो रहा और बिल्कुल ये लाइन सेगमेंट बना रहे हैं और इस लाइन सेगमेंट के अंदर आपके ये तीनों पॉइंट्स हैं, तो ये भी ट्रू होगा आपका। अगला देखिए सी क्वेश्चन जो आपका सी स्टेटमेंट है, उसमें एम एंड एन ये एंड पॉइंट है क्या लाइन सेगमेंट एम एन के। तो देखिए लाइन सेगमेंट हम एम एन को देखते हैं, आपका एम पॉइंट ये रहा, एंड पॉइंट वो रहा। अब इसके अंदर आपका ये लाइन सेगमेंट के अंदर आ रहा है और ये लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट हैं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं डी, इसमें ओ एन एन ये एंड पॉइंट है लाइन सेगमेंट ओ पी के। तो देखिए यहाँ पर फिगर में देखिए ओ एंड पी पॉइंट्स ये रहे और ये एंड पॉइंट मुझे नहीं दिखाई दे रहे ओ और एन। आप देखिए ओ और एन आपके लाइन ओ पी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट नहीं है,
क्योंकि ओ तो आपका एंड में दिखाई दे रहा है ओपी लाइन सेगमेंट में, लेकिन एम इन दोनों के मिड में आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट ई की तरफ चलते हैं। एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू ओ। क्यू देखिए, क्यू आपका ये रहा और ओ ये रहा। अब एम आपका एंड पॉइंट नहीं है क्योंकि ये क्यू ओ के मिड में ये पॉइंट आ रहा है, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट एम इज पॉइंट ऑन रे ओ पी। तो देखिए, क्या रे ओ पी, ओ पी में आपका एम पॉइंट आ रहा है, आपका ओ ये रहा और पी ये रहा, और ये रे जा रही है आपकी इस तरीके से, एम इन रे से बाहर है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, इस रे में आपका एम पॉइंट नहीं आ रहा। इसके बाद जी स्टेट में आपका कहा है कि रे ओ पी जो है वो डिफरेंट है, अलग है रे क्यू पी से। तो देखिए, आपकी ओ पी रे यहाँ से जा रही है और क्यू पी रे आपकी देखिए इस तरीके से। अब देखिए, ये जो आपकी क्यू पी रे है इसमें आपके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आ रहे हैं ओ पी रे के मुकाबले, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आपकी जो ओ पी रे है वो अलग ज़रूर है क्यू पी रे से, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी ट्रू है आपका। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका एच है। उस स्टेटमेंट में कहा है कि ओ पी जो रे है क्या वो सेम रे है ओ एम की तरह, तो हम कह सकते हैं बिल्कुल सेम नहीं है क्योंकि ओ पी आपकी दूसरी डायरेक्शन में है और ओ एम जो रे है आपकी दूसरी डायरेक्शन की तरफ जा रही है। नेक्स्ट आई स्टेटमेंट में देखिए, ओ एम जो रे है इज़ नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। ओ एम जो रे है वो आपकी अपोजिट है ओ पी की, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। आपकी ओ पी दूसरी डायरेक्शन में और ओ एम रे जो है वो भी आपकी दूसरी डायरेक्शन में है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होता है। अगला जे क्वेश्चन में, जे स्टेटमेंट में आपसे ये कहा है कि ओ इज नॉट अ इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी। क्या आपका ओ पॉइंट जो है वो ओ पी रे में इनिशियल पॉइंट नहीं है? बिल्कुल वो इनिशियल पॉइंट है, और ये स्टेटमेंट भी गलत है, इसलिए इसमें फॉल्स आएगा क्योंकि ओ पॉइंट से ही रे शुरू होती हुई जा रही है पी की तरफ। लास्ट स्टेटमेंट है के, इसमें कहा है कि आपसे कि एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम। तो यहाँ देखिए फिगर में, एन पी बिल्कुल ठीक है, एन इनिशियल पॉइंट है एन पी में, और एन एम में भी आपका एन इनिशियल पॉइंट है क्योंकि एन से होते हुए वो रे एम की तरफ जा रही है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, 4.1 आपकी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम मिलते हैं 4.2 एक्सरसाइज में। ओके स्टूडेंट, नाउ टेक केयर एंड गुड बाय।